हमीरपुर के डिग्री कॉलेज अणु में एसएफआई और एबीवीपी में आपसी कहासुनी को लेकर मामला गर्मा गया और दोपहर के समय में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी हुई, जिस कारण कुछ देर के लिए कॉलेज का माहौल गर्मा गया। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हमीरपुर डिग्री कॉलेज अणु में एसएफआई और एबीवीपी में आपसी कहासुनी को लेकर मामला गर्मा गया और दोपहर के समय में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक हुई है, जिसके कारण कुछ देर के लिए कॉलेज का माहौल गर्मा गया। हालांकि कॉलेज प्रशासन इस मामले को हल्के में लेकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। बता दें कि एसएफआई के द्वारा कॉलेज में 25 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं का जत्था कॉलेज में पहुँचा था, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। एसएफआई के नुक्कड़ नाटक के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने खलल डाला है। एसएफआई के पदाधिकारी आदेश ने बताया कि कॉलेज में एबीवीपी माहौल खराब कर रही है और आज भी एसएफआई के कार्यक्रम में नारेबाजी करके खलल डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज के कुछ प्रोफेसर एबीवीपी के साथ मिले हुए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हूं। आज हमारा जो 25 मार्च को जो है हमारा विधानसभा घेराव हो रहा है, उसका एक जो छात्र संघर्ष जत्था जो हमीरपुर में पहुंचा था, यहाँ पर जो है कल हम प्रिंसिपल मैडम से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, पर मैडम जो है उसको परमिशन देने से मना करते हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि परमिशन दी जाए, परंतु ये परमिशन नहीं देते हैं। जब यह हमारा ये जो जत्था अपनी जो इसमें डिमांड थी, अपना जो नाटी नुक्कड़ चला हुआ था वो ख़त्म होने की कगार पर था, उसके बाद जो है जो हमारा विरोधी दल है एबीपी, जो यहाँ कॉलेज के जो मेन क्लर्क रूम के जो आंगन है वहाँ पर खड़े हुए थे, वहाँ पर जो है दो टीचर यहाँ से जाते हैं, उन बच्चों को उकसाते हैं और वो मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करते हैं। उन टीचरों के नाम मैं लेना चाहूँगा, एक विक्रम सर हैं जो कि लगातार इस पॉलिटिक्स में सम्मिलित रहते हैं, परंतु बच्चों से बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी है, पर आए दिन वो बच्चों को कई बार क्लास में भी टॉर्चर करते हैं असेसमेंट के नाम पर, कई और किसी कि हाँ मैं तेरे असेसमेंट लगाऊंगा, फेल कर दूंगा, उस तरीके से, पर अपने आप जो हैं इस पॉलिटिक्स में पूरा सम्मिलित रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर मेरे को जैसा दिखाई दिया गया स्टेज से मैं खड़ा हुआ था, धुंधला से मेरे थोड़ा सा दिखाई दिया, उनमें जो है प्रोफेसर सोनी वो भी यहीं पर साथ में थे, और उसके बाद जब ये माहौल ख़राब होता है हम यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, तो जो है एबीपी के जो चार पांच जो हैं वो प्रिंसिपल रूम के अंदर कुंडी लगा के मुर्दाबाद के नारे शुरू करते हैं। पर मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा प्रिंसिपल मैडम से भी, जो यहाँ कॉलेज प्रशासन है, कि ये कहाँ का रूल है कि आप एक तरफ जो नारे लगा रहे हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको जो वहाँ उकसाया जा रहा है, इन टीचरों के खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई है? दूसरा, आज के टाइम अगर देखा जाए कोई भी स्टूडेंट अगर इनके पास जाता है कि मेरे को डबल स्टार है, मेरी एक पेपर की 1200 रुपये फीस आ रही है, तो ऐसा कोई टीचर नहीं है जो उन बच्चों की मदद करे, पर जब रिजल्ट आता है तब भी किसी बच्चों को नहीं पूछते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आया है, कि कहाँ कमियाँ हैं। कल मैं देख रहा था कि दो बच्चों का जो है गरीब घर से थे, एक जो रिपेयर की फीस है वो 1200 रुपये आ रही जो कि 100 रुपये आना चाहिए, तभी ये टीचर कहाँ होते हैं? ये क्वेश्चन मैं यहाँ से पुट करना चाहता हूँ। और दूसरा, इस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इन जो टीचर उकसा रहे हैं बच्चों को, इनके ऊपर कार्रवाई हो, और आए दिन इस कॉलेज का जो माहौल जो है ये दो तीन टीचर हैं ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो अदर संगठन के हैं ये भी हमारे भाई बहन जैसे हैं, इनके मुद्दे भी वही हैं, पर इनको जो भटकाया जाता है, ये जो मानसिकता है इन टीचरों की, एक तरफ पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े शिक्षक जो है कि समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर एक तरफ जो ये भड़काने की करते हैं। तो हम यहाँ से यही मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से भी, अगर आपके पास हमारी कोई भी बाय रिटर्न कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी आता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, निष्पक्ष करें, चाहे वो हमारा है चाहे इनका है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल अंजू भत्ता सहगल ने बताया कि एबीवीपी और एसएफआई संगठन में कुछ कहासुनी हुई है और अगर लिखित शिकायत आती है तो छानबीन की जाएगी। हमीरपुर में दो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कॉलेज में होती हैं एबीवीपी और एसएफआई में माइनर कहासुनी आपस में हो गई और किसी को कोई चोट नहीं आई है, किसी ने किसी पर अटैक नहीं किया, कोई लिखित कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है, अगर लिखित कंप्लेंट आएगी तो मैं उसे फॉरवर्ड करूँगा।